हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। मैंने 2.5 मीटर का नेट का फैब्रिक लिया है। अब इसको ओपन कर लेंगे और 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। लेंथ 15 इंच पर मार्किंग करेंगे, दूसरी साइड भी 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों की मार्किंग कर लिया है। अब यहीं से फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 32 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कमर की फिटिंग की मार्किंग 7 इंच पर करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्जिन की मार्किंग करेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक विड्थ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टॉप पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे, बाद में फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और उसके आर्म होल से कटिंग कर देंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब शोल्डर की कटिंग करेंगे। सेंटर में कट लगाएंगे, बॉटम साइड कट लगाएंगे और फिटिंग वाली मार्किंग पर भी कट लगा लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे। टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है। अब इसमें से फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और उसकी आर्म होल से कटिंग कर लेंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा है। लेंथ 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। आर्म होल साइड से 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। ओपन साइड से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्म होल की शेप देते हुए दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे। बॉटम साइड से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे। पहले फिटिंग वाली मार्किंग करेंगे। अब 1.5 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच बॉटम साइड से फोल्ड कर देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। मार्जिन वाली मार्किंग से कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। सेंटर में कट लगाएंगे। दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। इसमें से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से सेट करेंगे। फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर टॉप पार्ट रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। दोनों साइड मार्किंग करेंगे।
अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे। अब मार्किंग पर इंची टेप रखेंगे और लेंथ 30 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग पर इंची टेप रखते जाएंगे और 30 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। जब हम इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो कुर्ती का घेरा नीचे से बराबर रहता है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होता। हम मार्किंग कर ली है, सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड मार्किंग कर ली है, अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब बॉटम साइड से कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब साइड से प्लेन एक्स्ट्रा नेट की कटिंग कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। कुर्ती के बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। ये दोनों पार्ट के बीच में फोल्ड आ गया है, अब इसको कट करेंगे। कुर्ती को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था तो दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। इनर की कटिंग करेंगे। मैंने 2 मीटर का इनर लिया है, अब इसको फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर टॉप पार्ट का बैक वाला पार्ट रखेंगे, फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे और इसके साइड से मार्किंग कर लेंगे। टॉप पार्ट के साइड से मार्किंग कर ली है, अब इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब शोल्डर की कटिंग करेंगे, सेंटर में कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे। टॉप पार्ट के इनर के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन वाली साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और ट्रायंगल की शेप में फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लिया। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। और इसके ऊपर कुर्ती का मेन पार्ट रख दिया है और इसके साइड से मार्किंग करेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब बॉटम साइड से मार्किंग करेंगे। मेन फैब्रिक को हटा लेंगे। इनर की लेंथ 28 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। इनर के बॉटम में जॉइंट लगेगा। इस तरीके से डबल फैब्रिक को उठाएंगे और जहाँ पर जॉइंट लगेगा हाफ इंच इसके फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, वो सिलाई में जाएगा और एज इट इज मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। नेक की मार्किंग करेंगे, फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से नेक विड्थ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। लेंथ 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। नेक की राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे और उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे।
अब इसको ओपन करेंगे। कुर्ती के फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है, अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। फोल्डेड साइड से सेम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, लेंथ 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, बैक नेक की भी राउंड शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे।